शेयर बाजार में लगातार 10वें दिन तेजी देखी गई। इसके साथ ही निफ्टी ने आज यानी 28 अगस्त को 25,129 का नया ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया। निफ्टी 34.60 अंक चढ़कर 25,052 के स्तर पर क्लोज हुआ। वहीं सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स 73 अंक से ज्यादा चढ़कर 81,785 के लेवल पर बंद हुआ। सेक्टर पर नजर डालें तो आज सबसे ज्यादा आईटी सेक्टर में हमें खरीदारी देखने को मिली। आईटी सेक्टर जो है वो 2.25% के करीब तेज हुआ। इसके अलावा फार्मा सेक्टर 1.5% तक उछल गए, जबकि बैंकिंग, एफएमसीजी, मेटल और रियल्टी शेयरों में हमें गिरावट देखने को मिली। आईटी सेक्टर की बात करें तो एलटीआईएम 6.5% से ज्यादा तेज हो गया। विप्रो 4.25% की तेजी इसने दिखाई। एलटीटीएस ने 4.25%, कोफोर्ज 3% के करीब, परसिस्टेंट भी 3% तेज हुआ, इंफेसिस 2.5% से ज्यादा और इंफोसिस भी 2.5% से ज्यादा तेज हुआ, जिसने आज बाजार को पुश किया है। फार्मा सेक्टर पर नजर डालें तो फार्मा सेक्टर में सबसे ज्यादा डिविस लैब में हमें तेजी देखने को मिली, 4.25%। ग्रैन्यूल्स चढ़ा है 4.25% करीब। टोरेंट फार्मा में 3% की तेजी देखने को मिली। वही जाइडस लाइफ भी 2.25% से ज्यादा तेज हुआ। बाजार में लगातार 10वें दिन हमें तेजी देखने को मिली। पिछले 10 दिन के ट्रेडिंग सेशन पर एक बार नजर डालें तो पिछले 10 दिनों में निफ्टी 1,029 अंक से ज्यादा चढ़ा है, यानी 4.5% के करीब इसने तेजी दिखाई है पिछले 10 दिन के ट्रेडिंग सेशन को अगर देखें तो। अगस्त में देखें तो अपने लो लेवल यानी 23,893.70 से ये 1,235 अंक चढ़कर यानी 5.25% से ज्यादा चढ़ गया। अब सवाल ये कि आखिर इस तेजी की वजह क्या है, तो देखिए अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉल ने शुक्रवार को कहा था कि सेंट्रल बैंक की पॉलिसी को एडजस्ट करने का समय आ गया है और उन्होंने निकट यानी भविष्य में शॉर्ट टर्म में कहा कि ब्याज दरों में कटौती का संकेत है और इन्होंने ऐसा संकेत दिया जिससे बाजार को पॉजिटिव बूस्ट मिला। ब्याज दरों में कटौती के संकेत ने बाजार को पुश किया है। पॉल ने कहा कि ब्याज दरों में कटौती का समय आ गया है, दरों में कटौती कब कितनी होगी आंकड़े तय करेंगे, महंगाई के 2% के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं और महंगाई का रिस्क घटा है, वहीं रोजगार में हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है, प्राइस स्टेबिलिटी की दिशा में है और लेबर मार्केट को भी सपोर्ट करने का हर संभव प्रयास जारी है और इन सारे बयानों ने बाजार को पुश किया कहीं ना कहीं। इसके अलावा दूसरा फैक्टर जिसने पॉजिटिव सेंटिमेंट बनाया है वो है अच्छी अर्निंग्स। इस बार कई कंपनियों की अर्निंग्स अच्छी आई जिससे अच्छी खरीदारी हुई। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत की अर्निंग ग्रोथ में कोई चैलेंज नहीं है, कोई बाधा नहीं है और अगले 2 साल कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है बाजार का। CAGR भी डबल डिजिट में रहने की पूरी उम्मीद है। तीसरा पॉजिटिव फैक्टर है पॉलिसी। तो पॉलिसीज पर नजर डालेंगे तो इंडिया में पिछले 5-7 साल से पॉलिसी फ्रेमवर्क में कोई खासा बदलाव नहीं आया है, उसी की कॉन्टिन्यूटी इस बजट में भी देखने को मिली। गवर्नमेंट ने कोई मेजर चेंजेस नहीं किए हैं जिससे बाजार में उथल पुथल नहीं मचा और हमें पॉजिटिविटी देखने को मिली। चौथा जो पॉजिटिव फैक्टर है बाजार के लिए वो ये है कि FIs और DIs की ओर से लगातार खरीदारी जारी है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लगातार बाजार में पैसा लगा रहे हैं। FIs ने 27 अगस्त को 1,504 करोड़ रुपए की खरीदारी की, वहीं DIIs ने जनवरी से 21 अगस्त तक 3,01,600 से ज़्यादा करोड़ की खरीदारी की है और ये जो आंकड़ा है ये 2017 से सबसे ज़्यादा का आंकड़ा है। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जिसने बाजार को पुश किया है और लगातार ये हमें 10वें दिन ये पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला है। लेकिन अब सवाल ये कि क्या 11वें दिन भी हमें बाजार तेज देखने को मिलेगा या नहीं, ये सवाल बरकरार है, कल पता चलेगा। लेकिन आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम जहाँ आपको मिलेंगे कई सारे फायदे जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।